तो चलिए आज की इस वीडियो में एक बार फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जॉब अपडेट ही डिस्कस करने वाले हैं। तो दो तरह के जॉब अपडेट हैं, एक जम्मू कश्मीर वालों के लिए और एक ऑल इंडिया लेवल पर रहने वाला है। जब मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर वालों के लिए, तो यहाँ पर दो तरह के अपडेट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे री एडवर्टीजमेंट करी गई है, फिर से वैकेंसीज निकाली गई हैं। एडवर्टीजमेंट फिर से आया किसके लिए, कृषि उद्यमी बोलो या फिर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर की बात कर लो, इसके लिए वैकेंसीज फिर से आ चुकी हैं। यहाँ पर वैकेंसीज के नंबर की बात करूँगा 17 वैकेंसीज फिलहाल। जो डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ वो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात करी जा रही है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, डिप्लोमा है एग्रीकल्चर या इस तरह के फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन करी है सिंपल साइंस में, BSc करी है, आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन आपकी है एग्रीकल्चर या इस तरह के फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। BTech एग्रीकल्चर से फील्ड में अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जॉब प्रोफाइल ये रहती है कि आपको ऑपरेट करने होते हैं, किस्मत खिदमत जो घर होते हैं वो आपको ऑपरेट करने होते हैं। अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 10th of July रहने वाली है। बस यहाँ पर यह है कि आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते, आपको ऑफलाइन मोड पर अप्लाई करना होता है। एक प्रॉपर फॉर्मेट है वो फिल करना होता है और अप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होती है। अब एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या रहने वाला है, कहाँ सबमिट करना है, ये पूरा डिटेल्ड PDF मैं आपसे टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। टेलीग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जो इम्पोर्टेंट डिटेल है यहाँ पे वो शेयर करूंगा, बाकी सारा PDF में देख लेना। अब यहाँ पे होता क्या, इनिशियली 2 साल की एंगेजमेंट रहती है, 2 साल के लिए आपको वहां पे रखा जाएगा। अगर आप सही से काम करते हो फिर इसे एक्सटेंड किया जाएगा। जैसे यहाँ पर अब सिलेक्शन कैसे होने वाले हैं इम्पोर्टेंट वो भी समझ लेते हैं। देखो 100 पॉइंट यहाँ पर मिलने वाले हैं, वो किस तरह के मिलने वाले हैं। जैसे अगर आप लोकल पंचायत के डोमिसाइल होंगे तो 25 पॉइंट मिलने वाले। जैसे लोकल पंचायत की बात करें, जैसे अगर जैसे मान के चलो जैसे अरिगाम नाम है, बालापुरा, ड्रगर, फ्रेस्तवार, कैच, रैथन, इस तरह से कुछ नाम आपके सामने PDF में होंगे। अगर इनमें से किसी भी पंचायत के अगर आप रहने वाले डोमिसाइल, तो 25 पॉइंट आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा, पॉइंट सिस्टम की मैं बात करूं, 100 पॉइंट में से मिलने वाले हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 5 पॉइंट आपको उसके मिलने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैक्सिमम 45 पॉइंट होंगे, जिसमें से अगर आपका अगर डिप्लोमा है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन करी है, BSc करी है, तो 25 पॉइंट मिलेंगे। बट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर जैसे फील्ड में है तो आपको 45 पॉइंट पूरे मिलने वाले हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो 10 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर में है तो उसके 15 पॉइंट मिलने वाले। इस तरह से 100 पॉइंट होंगे, तो बाकी सिलेक्शन आपको पता है जो ज़्यादा लेगा उससे सिलेक्शन यहाँ पर होने वाली है। तो फिलहाल ये इसमें जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात करें, एफिडेविट का फॉर्मेट, जो फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको आराम से मिल जाएगा। आप फिल कीजिएगा और सबमिट कर दीजिए, 10 जुलाई तक का टाइम रहने वाला है। ये जो मैं आपसे कृषि उद्यमी की बात कर रहा था, जैसे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की बात करें, डोडा के लिए भी री एडवर्टीजमेंट करा गया। पहले 16 पोस्ट थी, बट अब यहाँ पे जो 7 पोस्ट के लिए री एडवर्टीजमेंट करा गया, बट टाइम लिमिटेड है। आपके पास 27 जून तक का टाइम है, सो वीडियो को शेयर कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट डोडा वालों के पास कम टाइम है, 27 जून से पहले पहले अप्लाई करना है। बाकी सारा प्रोसेस सेम मिल जाने वाले, जैसा मैंने पहले भी बताया था। तो ये तो हो गया कृषि उद्यमी की जो पोस्ट है जम्मू कश्मीर वालों के लिए। कल की वीडियो में आपको बताया था आंगनवाड़ी की वैकेंसीज भी हैं, तो वो भी आपसे डिस्कस कर रहा था। आने वाले टाइम पे और भी जो एडवर्टीजमेंट आते जाएंगे मैं आपसे जरूर शेयर करता जाऊंगा। फिलहाल JKP की बात करें, वो वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, उसकी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पर चल रही हैं। अगर अभी तक आपने वो कोर्स को ज्वाइन नहीं करा है, अभी फिलहाल मैथ की वहाँ पे डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस चल रही हैं, 7:30-8 PM पर क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट चल रहा है, प्राइस रिड्यूस करा हुआ है। फिलहाल नेक्स्ट जॉब अपडेट की बात करेंगे, वो ITBP की तरफ से, जहाँ पे ITBP की तरफ से हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं। शॉर्ट नोटिस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर शॉर्ट नोटिस में जो इम्पोर्टेंट डिटेल आपसे मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करनी होगी, बट SC ST कैटेगरी है, वुमेन कैटेगरी है, PWBD या एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे, किसी तरह की पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई आप 7 जुलाई से कर सकते हो और लास्ट डेट 5 अगस्त तक ही रहने वाले। टाइम अभी आपके पास है तो अभी से तैयारी भी कर सकते हो। 22 से लेकर 25 ईयर्स तक की एज लिमिट होती है, अगर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, बाकी रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, ऐसा हमेशा होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास डिग्री होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले कृषि उद्यमी की मैं बात करता हूँ, वहाँ पर 21 से लेकर 45 ईयर्स तक की एज लिमिट होती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ITBP हेड कॉन्स्टेबल की डिग्री चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट यहाँ पे 112 रहने वाली है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, मैंने आपसे वो डिस्कस कर लिया।
अब ये तो हो गया जॉब अपडेट, अब हम चलते हैं और इम्पोर्टेंट अपडेट, वो भी डिस्कस कर लेते, जो करंट अफेयर्स की कैटेगरी में रख लो या अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए बोल लो। आप सभी ने सांबा फोर्ट का नाम जरूर सुना होगा, जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू कश्मीर के। वहां पर क्या हुआ है? इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप सभी को पता है, 1905 के आसपास महाराजा रंजीत सिंह जो थे, इनको कहा गया था कि इससे हमें प्रताप सिंह जी की बात करें, उन्होंने डोनेट करते हैं, आप स्कूल वगैरह बना सकते हो। फिर 2010 में 5-6 करोड़ की लागत से वहां पर रिनोवेशन का काम भी करा गया था। बट फिलहाल न्यूज में क्यों है? क्योंकि वहां पे टॉलेस्ट फ्लैग जो है वो फहराया गया 100 फीट हाई। वहां की उस लोकेशन की बात करें उसके हिसाब से देखा जा रहा है। ऐसे तो आपको पता कि अटारी बॉर्डर में इसे भी बड़ा है, लास्ट ईयर डोडावली साइड में भी जो है वो 100 फीट का ही वहां पे भी फहराया गया था। तो ये सारे अपडेट आपको पता ही होंगे। बट सांबा में फिलहाल कल का मीटर 100 फीट टॉल जो तिरंगा वहां पे फहराया गया, पोल पे तिरंगा जो फहराया गया है, और ये डेडिकेट ट्रिब्यूट करा गया उन सभी सोल्जर्स को जो वहां के रहने वाले जो नेशन के लिए सेक्रीफाइस करा है। आपको पता होगा सांबा कठुआ साइड से कितने सारे लड़के आर्मी डिफेंस को ज्वाइन करते, तो जहां पे जिन्होंने भी सेक्रीफाइस करा है देश के लिए, उन सभी के लिए ट्रिब्यूट यहाँ पे सेट करा गया था। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्राउड मोमेंट है सांबा वालों के लिए, आपसे शेयर कर रहा है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता होगा, पाकिस्तान की तरफ से एक टीम आ चुकी है इंडिया में, जो कि यहाँ पे विजिट कर रहा है जम्मू में। पहले वो टीम पहुंची, फिर वो किश्तवाड़ की तरफ टीम गई थी। प्रॉब्लम क्या है, क्यों आई है, वो समझ लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आप सभी को पता होगा, जो कि सितंबर 1960 में जैसे साइन करा गया था, इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, ब्रोकर कौन था, वर्ल्ड बैंक था। पर्पस क्या था? इंडस वाटर सिस्टम, जो इंडस नदी का सिस्टम है, जहाँ पे इंडस नदी में 5 नदी है और जगह मिल जाती है इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसके वाटर को पाकिस्तान कितना यूज करेगा, इंडिया कितना यूज करेगा, यूटिलाइजेशन किस तरह से करनी है, इस वजह से इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई थी। और 9 ईयर्स तक का टाइम लग गया था इस पर पूरे डिस्कशन करने के लिए। और क्योंकि ये जो सारा पानी है, जैसे इंडस नदी से जो बाकी ट्रिब्यूटरीज मिलती है मिथानकोट में पाकिस्तान में, फिर वहां से जाके अरेबियन सी में जाके पानी जमा पे जाके गिर जाता है। तो ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये कहा कि जो 3 रिवर ईस्टर्न वाली है, जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज की बात करें, इसका पानी इंडिया पूरी तरीके से यूज कर सकता है। और जो बाकी 3 नदियां हैं वेस्टर्न वाली, जिसमें झेलम आ जाएगी, चेनाब आ जाएगी या फिर इंडस आ जाएगी, इसका जो पानी है वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना है। यानी कि 20-30% पानी इंडिया ने इस्तेमाल करना, बाकी सारा पानी जो है पाकिस्तान ने इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, इंडिया उसको भी यूज कर सकता है लिमिटेड वे में। जैसे वहां पर इरीगेशन पर्पज के लिए कुछ हद तक यूज कर सकता है, अगर पावर प्रोजेक्ट बिजली पैदा करने, बट डैम नहीं बना सकते, बट ऐसे अगर पानी चलता है टर्बाइन घुमाना है उसको आप यूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, बिजली पैदा कर सकते हो। तो वेस्टर्न रिवर में जब इंडिया कुछ प्रोजेक्ट काम करता है, कुछ काम करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान हमेशा वहां पर जो बोलता है यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है, ये इंडस वाटर ट्रीटी का वॉयलेशन है, इस तरह से वहां पर चलता रहता है। यही रीजन है कि आप जैसे भाखड़ा विंगल डैम जो तो पूरी तरह से बनाया गया है, बट जो चेनाब नदी पर जो डैम है पूरी तरह से बनते नहीं है, वो रनवे प्रोजेक्ट चल जाते हैं, तो वहां पर डैम बन नहीं पाता वहां पर, क्यों? क्योंकि लिमिटेड वे में यूज कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान पहले भी कई बार ऐसे कर चुका कि इंडिया इस प्रोजेक्ट क्यों चला रहा है, जबकि इंडिया को यूज है, इंडिया के पास अथॉरिटी के वो इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड वे में। अभी फिलहाल जो पाकिस्तान की तरफ से डेलीगेशन है वो यहाँ पर आए थे, उनको कहना था कि हमने टेक्निकल ऑब्जेक्शन थी, उन्होंने कहा था हमने किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है या रतले प्रोजेक्ट है वहां पर विजिट करना है, तभी वहां पर आए थे। ये पहले अपने कोर्ट के चक्कर में पड़े हुए थे, तो इंडिया का कहना था कि नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू आइए, यहाँ पर विजिट कीजिए और जो भी डिसीजन है वो देखा जाएगा। अभी वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के साथ लाए 40 लोगों की टीम यहाँ पर इंडिया जम्मू में आई थी विजिट कर, जम्मू से वो किश्तवाड़ की तरफ गई, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे तो विजिट करना ही करना है, साथ से जो पकल दुलर प्रोजेक्ट है वहां पर भी विजिट करना है, कोई बात नहीं विजिट वहां पर भी कर ही लो। एक्सपर्ट टीम के साथ आए, न्यूट्रल टीम के साथ वहां पर आए हुए हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है कि क्यों पाकिस्तान वाले यहाँ पर आए, जो वेस्टर्न रिवर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको कहने के वहाँ पे टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, वो वहाँ पे देखने आए 2019 को पहली बार यहाँ पर आए, तो कोई बात नहीं यहाँ पर विजिट करने आए हुए, तो 28 को वापस चले जाएंगे यहाँ से। तो ये अपडेट है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। और आज के इस वीडियो का जो लास्ट अपडेट है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो रहने वाला है चाइना की तरफ से। चाइना ने फिर से एक रिकॉर्ड बना दिया है, जो मून का दूसरा साइड है जो हमें दिखता नहीं यहाँ से, जहाँ पे हमें अंधेरा देखने को मिलता है, वहां से वो सैंपल लेकर आ गए, मतलब 2 kg के आसपास, 2 किलो के आसपास वहां से डस्ट या वहां के जो पार्टिकल्स हैं या वहां के जो चट्टाने हैं, कह लो 2 kg तक का सारा सब कुछ सामान मिला के वो यहाँ पर इंडिया में लेकर आ, इंडिया नहीं करूंगा अर्थ पे लेकर आ गए। तो चाइना से पहला नेशन बना जो वहां से सैंपल लेकर वापस आ चुका है। ये रिसर्च वगैरह अपने करने वाले हैं उस पर, अब अच्छे तरीके से जैसे भी करेंगे, फिलहाल सक्सेसफुली वो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, जिसकी वीडियो भी सर्कुलेट हो रही थी, और साथ ही साथ इनका मिशन भी तो जाने वाला है मून पे, जब लोगों को भेजने वाले, उसकी भी तैयारी इनकी चल ही रही है। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगा होगा, लगे सही तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है,
और टेलीग्राम तो जेके लेडीज इन्फो के नाम से यहाँ पे PDF वगैरह भी मिलते जाएंगे।